ओ भाई पैसे दो। आशीर्वाद नहीं चाहिए, पैसे चाहिए। फाइनली ओ माय गॉड 2 फिल्म के फैंस के लिए थोड़ी सी गुड न्यूज और काफी ज्यादा बैड न्यूज है। गुड न्यूज ऑब्वियसली ये है कि काफी ज्यादा मुश्किलों के बाद अब फाइनली इसका ट्रेलर आ चुका है, प्लस फाइनली फिल्म 11th ऑफ अगस्त को ये रिलीज हो रही है। बट वहीं बैड न्यूज ये है कि फिल्म के ट्रेलर को बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन नहीं मिला है और उसका डायरेक्ट रिफ्लेक्शन अब इस फिल्म के एडवांस बुकिंग में भी दिख रहा है। इस फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है वो काफी ज्यादा एवरेज चल रही है। इनफैक्ट अगर मैं गदर 2 से कंपेयर करूं तो उसके कंपैरिजन में तो काफी बिलो एवरेज चल रही है। वहीं ये बात भी हम सभी जानते हैं कि अब इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिल चुका है, तो ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि जो बच्चों वाला सेक्शन था वो ऑलरेडी फिल्म से एलिमिनेट हो चुका है और फिल्म में जो 27 कट्स मारे गए हैं और थोड़े बहुत इम्प्रोवाइजेशन किए गए हैं, अब उस वजह से इस फिल्म की बेसिक स्टोरी में या फिर मैं कहूंगा बेसिक प्लॉट में ही बहुत बड़ा चेंज आ चुका है। अगर मैं थोड़े बहुत चेंजेस की बात करूं तो हम सबने टीजर में देखा था कि ये फिल्म जो है वो उज्जैन में सेट की गई है, तो अब ऐसा बताया जा रहा है कि इस फिल्म को एक फिक्शनल वर्ल्ड में दिखाया जाएगा और अब इसी वजह से एग्जैक्टली किसी भी शहर का नाम नहीं यूज होगा। उसके अलावा इस फिल्म में सीन है जिसमें एक लड़का प्रोबेबली सुसाइड कर रहा होता है और इस वजह से वो रैट पॉइजन खाता हुआ दिखाया जाता है, तो वो जो बॉटल है जिसमें रैट पॉइजन लिखा हुआ है उसमें रैट वर्ड को हटा के सिर्फ पॉइजन कर दिया गया है। उसके अलावा प्रोबेबली शायद उसी लड़के के जितने भी सेक्सुअल एक्ट वाले सीन है उसको बहुत ज्यादा टोन डाउन कर दिया गया है। साथ ही फिल्म में एक ऐसा भी सीन है जहां पे एक शायद बिलबोर्ड लगा होता है जिसमें कॉन्डम का पोस्टर दिखाया जाता है, तो उस सीन को भी फिल्म से हटा दिया गया है। फिर इस फिल्म में एक जज का कैरेक्टर होगा जिसको शायद ऐसा दिखाया गया था कि वो कोर्ट रूम में अपनी सेल्फी ले रहा होता है, तो उस सीन को भी फिल्म से हटा दिया गया है ताकि जब ऑडियंस फिल्म देखे तो वो हमारे ऑनरेबल कोर्ट को बिल्कुल भी फ्रिवलेस या फिर नॉन सीरियस वे में ना देखे। प्लस फिल्म में एक सीन था जिसमें ऐसा बोला गया था कि मास्टरबेशन जो है वो हराम है, तो उसमें हराम वर्ड को पाप वर्ड से रिप्लेस कर दिया गया है। उसके अलावा एक ऐसा भी डायलॉग था जिसमें सत्यम शिवम सुंदरम आ रहा था, तो इन वर्ड्स को भी रिमूव कर दिया गया है। और उसके अलावा फिल्म शुरू होने से पहले एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर आएगा जो कि तकरीबन 40 सेकंड का होगा, तो ना सिर्फ उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले किया जाएगा लेकिन एक वॉइस उसको पढ़ेगी भी ताकि वो ऑडियंस जो कि ध्यान नहीं देती है या फिर अपने मोबाइल फोन वगैरह में बिजी रहती है वो एक्चुअली डिस्क्लेमर सुने और उसको एक्चुअली आइडिया हो जाए कि वो अगले 2.5 घंटे के लिए स्क्रीन पे क्या देखने वाले हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फिल्म का जो रन टाइम है वो है 2 घंटे 36 मिनट 10 सेकंड। लेकिन जो बात मैंने शुरुआत में कही थी, इन सारे चेंजेस के चलते एक ऐसा भी चेंज आया है जिसने फिल्म की बेसिक स्टोरी को ही बदल दिया है, तो वही चेंज है जिसकी मैंने आपको ट्रेलर रिव्यू में बात करी थी कि अब इसमें अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर है वो शिवजी नहीं प्ले कर रहे हैं, अब इसमें अक्षय कुमार एक शिवजी के दूत या फिर मैसेंजर के रूप में दिखाए जाएंगे। प्लस अगर आप ध्यान देंगे तो आपको रियलाइज होगा कि अब ये फिल्म अपने फर्स्ट पार्ट से थोड़ा पीछे चली गई है। नॉर्मली जब भी किसी फिल्म का सीक्वल आता है यानी सेकंड पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट से ज्यादा बड़ा होता है, जैसे कि बाहुबली 2 का था या फिर KGF चैप्टर 2 का था। तो ये चीज थोड़ी सी अटपटी सी तो लगती है, मतलब आइडियली ये होना चाहिए था कि फर्स्ट पार्ट में शायद भगवान अपना दूध भेजते लेकिन सेकंड पार्ट में भगवान खुद आते। तो अगर इस तरीके से देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि OMG 2 का जो सेकंड पार्ट है वो एक कदम आगे जाने की जगह एक कदम पीछे आ चुका है, क्योंकि इस फिल्म का जो फर्स्ट पार्ट आया था यानी OMG 1 उसमें अक्षय कुमार ने कृष्ण जी का रोल प्ले किया था और वो उस फिल्म का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट था, और इसी वजह से सेम एक्टर को एक अलग भगवान का रूप प्ले करते हुए देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला था। इनफैक्ट मैंने अपने चैनल पे खुद बहुत सारे वीडियोस बनाए थे जिसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से मॉडर्न वर्ल्ड में शिवजी का रेफरेंस दिया जा रहा है और जो ट्रेन वाला सीन है या फिर वो सीन है जिसमें अक्षय कुमार के कैरेक्टर के पीछे एक बैल जाने लगता है, मैंने उसको नंदी जी का रेफरेंस देके आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। लेकिन अब क्योंकि अक्षय कुमार शिवजी प्ले ही नहीं कर रहे हैं तो मैं कहूंगा जो फिल्म की मेन सोल थी वही कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाएगी। साथ ही में लेटेस्ट अपडेट यह भी आई है कि अक्षय कुमार के जितने भी फिल्म में सीन्स हैं जिनमें उन्हें सॉर्ट ऑफ ब्लू कलर में दिखाया जाने वाला था ताकि उनको भोलेनाथ डिपिक्ट किया जा सके, तो अब उन सारे सीन्स को चेंज किया जा रहा है। बेसिकली VFX से उनका जो कलर है वो ह्यूमन कलर में किया जा रहा है ताकि वो बिल्कुल भी शिवजी ना लगे, वो सॉर्ट ऑफ मैसेंजर लगे उनके। और जब से ये न्यूज आउट हुई है हमारा सोशल मीडिया जो है वो कहीं ना कहीं दो ग्रुप्स में बढ़ गया है। एक तरफ कहा जा रहा है कि फिल्म में इतने सारे कट करने की क्या जरूरत थी जब आधे पुरुष फिल्म में कट नहीं किए गए थे, तो इस फिल्म में इतने चेंजेस क्यों किए गए, प्लस फिल्म को ए सर्टिफिकेट भी क्यों दिया गया। भाई दूसरी सेक्शन ऑफ द ऑडियंस कह रही है कि बहुत ज्यादा जरूरी भी था और बॉलीवुड जो है जो सेक्स के टॉपिक से बहुत ज्यादा ओवर ऑब्सेस्ड हो गया, उसको टोन डाउन करने के लिए ये करना जरूरी था। ऑल्दो अगर मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूं तो मैं कहूंगा इसमें सेंसर बोर्ड की बहुत ज्यादा गलती नहीं है। सेंसर बोर्ड बेसिकली एक ऐसी अथॉरिटी है जिसका हर तरफ से क्रिटिसिज्म होता है। अगर उसने फिल्म में चेंजेस किए हैं तो ये कहा जाता है कि फिल्म में इतने सारे कट्स क्यों कर दिए गए। ऑन द अदर हैंड अगर उसने फिल्म में चेंजेस नहीं किए होते और फिल्म जब रिलीज होती तो लोगों के रिलीजियस सेंटीमेंट्स को हर्ट करती, तब फिर सेंसर बोर्ड पे उंगली उठाई जाती कि आपने चेंजेस क्यों नहीं किए और आपने वही गलती की जो आपने आदिपुरुष के टाइम पे की थी। सो इन सिंपल वर्ड्स इसमें हम सेंसर बोर्ड को बहुत ज्यादा ब्लेम नहीं कर सकते। आई थिंक सबसे बड़ी जो बेसिक गलती थी वो कहीं ना कहीं मेकर्स की थी कि जब वो ओ माय गॉड बना रहे थे तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उनको इस फिल्म का सब्जेक्ट जो है वो सेक्सुअल एजुकेशन और मास्टरबेशन के अराउंड नहीं रखना चाहिए था। अगर वो नॉर्मल एजुकेशन पे रख देते तो वो इस फिल्म के लिए काफी बेटर होता। इनफैक्ट यहां मैं आपको बता दूं कि जब इस फिल्म का टीजर आया था तो बहुत लोगों को ऐसा ही लगा था कि इस फिल्म का जो सब्जेक्ट है वो नॉर्मल एजुकेशन के ऊपर होने वाला है, और एग्जैक्टली यही
रीजन है कि तब मैंने कहा था कि OMG 2 की स्टार्ट जो है वो भले ही स्लो हो एज कम्पेयर टू गदर 2, लेकिन लॉन्ग रन में ये फिल्म क्लास प्लस मास ऑडियंस दोनों को अपील करने वाली है। बट अब मुझे पर्सनली फिल्म का ट्रेलर देखने में ऐसा लगता है बड़े शहरों की जो क्लास ऑडियंस है वो ऐसी फिल्म को ज्यादा पसंद करेगी, बट एट द सेम टाइम जो छोटे सेंटर्स हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अपनी पूरी फैमिली के साथ ऐसे सब्जेक्ट पे फिल्म देखना, क्योंकि फिल्म में सेक्स एजुकेशन, होमोसेक्सुअलिटी, मास्टरबेशन, उसके अलावा सेक्स वर्कर्स को भी दिखाया गया है। या इन केस मेकर्स इस बात पे एडमिट थे कि उनको सेक्स एजुकेशन और होमोसेक्सुअलिटी के अराउंड फिल्म बनानी है, तो वो ऐसा कर सकते थे कि इस फिल्म में कोई रिलीजियस एंगल नहीं डालते और फिल्म में शिव जी के कैरेक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं थी। वो एक नॉर्मल सी सोशल कॉमेडी फिल्म बनाते जैसे कि आयुष्मान खुराना की या फिर राजकुमार राव की फिल्म आती है, जिसमें थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी ऑडियंस को मिल जाता है और एक अच्छा सोशल मैसेज भी दे दिया जाता है। बाकी आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी क्या राय है, जो OMG 2 में 27 कट्स मारे गए हैं और जो इसको ए सर्टिफिकेट दे दिया गया है, क्या वो वाकई सही है या फिर इसको OTT पे लाना एक बेटर ऑप्शन होता। और उसके अलावा ये भी बताइएगा कि अब OMG 2 और गदर 2 में आप किस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, सब कुछ बताइएगा। उसके अलावा अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अभी के लिए अपने सिनेमा हॉस्टर रंजन को दीजिए इजाजत।